चैनल माई लाइफ इन अमेरिका। तो आज की जो वीडियो है वो है शीन की हॉल से रिलेटेड, कि मैंने शीन से क्या शॉपिंग की थी और मैंने वहां से क्या मंगाया है। तो जो चीजें हैं शीन से जो मुझे मिली हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी भी हैं और बहुत ज्यादा, मतलब मैं बताऊंगी आपको वीडियो में कि वो कैसी हैं। तो जो मेरी पर्सनल केयर से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, मैं बोलूंगी शीन क्या है। पहले, सबसे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू देती हूँ शीन क्या है। शीन एक ऐप है जहाँ से आपको मिलती हैं ऑनलाइन चीज़ें जो कि बहुत ही अच्छे से प्राइसेज में होती हैं, अफोर्डेबल प्राइस होता है, आप उनको अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। और क्योंकि वो मेड इन चाइना है तो वो ज़्यादा दिन के लिए चलती भी नहीं है, और कोई कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाती है, डिपेंड कि आप उसकी कैसे टेक केयर करते हो। तो दोस्तों, मैं बोलूँगी आपको कि शीन पहले इंडिया में भी था और मेड इन चाइना की वजह से टिकटॉक भी बंद हो गया था और शीन भी बंद हो गया था। तो मैंने इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें मैंने शीन की यूज़ की और यहाँ पे भी मैंने उसको ढूंढ लिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं और वो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्राइस या अकॉर्डिंग टू डॉलर वो कैसी हैं और वो वर्थ इट हैं या वो नहीं हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। वर्ड सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक करना बाद में और कमेंट्स करना बाद में कि आपको, मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको लगता है कि यहाँ पे मिल जाएगी इजी, या आपने बेकार किया खरीद के, आप कहीं से भी खरीद लेते, तो वो आप मेरे को सारी चीज़ें प्लीज़ बताना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने शीन से क्या मंगाया है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, ये था 5 बैग्स का एक पैक जिसमें ये डिफरेंट क्रिस्टल कलर्स के मुझे 5 बैग्स मिले हैं $2 में। छोटी सी बात बताऊंगी यहाँ पे, डॉलर अभी 81 या 82 में चल रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो आप जितने भी आपके जो, मतलब प्राइस है इंडियन करेंसी में, आप उनको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने शीन में मंगवाई हैं वो मंगवाई हैं अंडर $5, यानी कि अंडर 400 रुपीज़ आप मान सकते हैं, 100, 200, 150, 100, 200, 150, 300, इतने तक की मैंने हर चीज़ मंगवाई है। इससे ज़्यादा मैंने नहीं खर्च किया क्योंकि ये मेड इन चाइना होती है, शीन का आपको पता ही है ये क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये 5 पीसेस मुझे मिले हैं बैग्स की, और पेस्टल कलर्स थे, 2 मैंने निकाल लिए थे, यूज़ कर लिए हैं और कुछ सामान उसमें भर लिया क्योंकि मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा। तो दोस्तों ये हैं, आप देख सकते हैं क्यूट हैं, काफ़ी सॉफ्ट भी हैं, आप इसमें चीज़ें भरेंगे तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो प्राइस है इनका $2 था और वो, मतलब उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको 5 डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के, गर्लिश लुक में बहुत ही प्यारे से ये बैग्स मिले हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आई थिंक मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मेरे लिए वर्थ इट है। सेकेंड दोस्तों, मैंने मंगाया है ये ज्वेलरी बॉक्स। तो ये इस तरह के छोटे छोटे से ज्वेलरी के छोटे बॉक्सेस हैं, ये 12 बॉक्स हैं इसमें, ये इस तरह का एक पाउच था उसमें 12 निकले हैं, ये एक पैक में 12 निकले हैं। तो ये है, इसमें आप ज्वेलरी हो अपना, कोई क्रीम हो, कोई एसेंशियल हो, कोई छोटी छोटी बिंदियाँ हो, वो आप इसमें रख सकते हैं और इसको अपने साथ, ये काफ़ी हैंडी है और आप इसको अपने पर्स में, अपने पाउच में डाल के कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप इसमें कुछ भी रख सकते हो। ये मुझे बहुत क्यूट लगा और ये बहुत छोटा सा है, टाइनी सा, ये इस तरह का देखने में है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। तो ये भी मेरा अंडर $1 या $2 ही था, उससे ज़्यादा कि मैंने कोई चीज़ ही नहीं ली है इसमें। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है ये शॉवर कैप का एक पैक। इसमें भी 4 पैक्स थे, इस तरह की ये पैकिंग थी, एक बॉक्स में 4 पीसेस मुझे मिले हैं शॉवर कैप के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिज़ाइन के ये मिले हैं, इस तरह का ये लगता है ओपन करके। तो यहाँ पे दोस्तों, वॉशरूम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शॉवर होता है, आपको डेली आप हेयर वॉश नहीं कर सकते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था और इसकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने ये मंगा लिया है और मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसको देखा जब मैंने, 2 मैंने निकाल लिए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको, मतलब शॉवर के लिए यूज़ करते हो, आप इसको हेयर में ऑयलिंग अगर की है तब यूज़ कर सकते हो, कोई मास्क आपने लगाया तब आप यूज़ करते हो, नहाते हो तो ये आपको कंपल्सरी है ही लगाना हुआ। एज एन गर्ल डेली मैं सर नहीं धो सकती हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जो इसका प्राइस था उसके अकॉर्डिंग ये मुझे $1 या $2 में मिला है, $2 में आई थिंक ये मिला है 4 पीसेस, और ये बहुत ही प्यारे हैं, पेस्टल से कलर्स हैं इनके, सभी का डिज़ाइन और कलर अलग अलग होता है। अगर आपको एक पैक में कोई चीज़ें मिलती हैं और आप उसको, मतलब एक पैक में 2 या 3 चीज़ें आती है, तो सारी की सारी ही डिफरेंट से कलर में आती है, डिफरेंट ही वो डिज़ाइन में आती है, तो ये भी मेरे लिए वर्थ इट है।
उसके बाद आता है दोस्तों ये सेट जो मैंने लिया है। ये एक सेट था जो कि आपको पता ही है, ये बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा स्किन केयर के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। ये जो हैंड बैंड्स हैं ये इस तरह से आपको पहनने होते हैं फेस वॉश करते टाइम। जब आप फेस को वॉश करते हो जो पानी होता है वो पीछे तक आ जाता है, तो इस पे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सवाल ही इनका, आप क्या करोगी। ये है तो ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि मेरे ताकि स्लीव्स गंदे ना हो, ताकि मैं अगर नीचे मेरा हाथ रख जाता है पानी होता है तो उसमें मेरे हैंड को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये स्किन केयर के लिए डेली अगर आप नाइट में वॉश करते हो तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि रात को आपको पता है ये बार बार कपड़े तो आप नहीं बदल सकते हो, तो आप इसको पहन के अपने फेस को वॉश कर सकते हो। और ये तीनों का एक सेट था, पैकिंग मैंने निकाल दी है, तो इस तरह की ये तीन चीज़ें मुझे एक ही पैकेट में मिली है। बट ये स्किन केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल्स हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा काफ़ी, क्योंकि जो इसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग ये ₹3 का है, यानी $3 का है, तो $3 में मुझे ये मिल गया है सेट पूरा। ये मेरे लिए वर्थ इट है और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, कलर इसका आई लव इट। इसके बाद आता है ये, तो दोस्तों ये है एक यूवी लैम्प जो कि नेल्स के लिए यूज़ करते हैं, नेल्स के लिए है। और मैंने बाकी चीज़ें जो इसमें मेरी नेल्स से रिलेटेड थी वो तो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि नेल्स के ऊपर जो नेल्स की जो एसेसरीज थी जो मैंने मंगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गई थी, और काफ़ी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी। उसके लिए मैं बनाऊंगी डिफरेंट एक वीडियो, नेल अपने जो एसेसरीज हैं नेल आर्ट्स की जो चीज़ें हैं उनके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। तो ये मैंने उसी के लिए मंगाया था, तो ये गलती से इसी में रह गया, बट कोई बात नहीं, ओपन मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का। तो ये बहुत प्यारा है और बहुत वर्थ इट है, बहुत ही क्यूट है, कलर इसका भी मैं नहीं बताऊंगी कि क्या है, तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा फ्रेंड्स। और हेयर अभी इसके बाद क्या नंबर आता है, इसके बाद आता है ये प्यारा सा ब्रश, हेयर ब्रश जो कि मैंने मंगाया था, और अकॉर्डिंग टू प्राइस अगर देखा जाए तो ये $1 या $2 का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है। ये बहुत प्यारा है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा क्यूट सा है ये, लेकिन इसका जो कलर है टेक्सचर है वो बहुत ही बेबी पिंक टाइप है, और ये साइज़ में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर ये बड़ा होता तो मैं इसको यूज़ कर लेती, लेकिन ये छोटा है तो मुझे बस यही थोड़ा सा लगा कि इसका साइज़ थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको पैक करके एज इट इज़ रख दूँगी और मैं इसको गिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत बेबी स्टाइल है और ये बहुत क्यूट सा है, तो मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत प्यारा है, और लेकिन मैं इसको गिफ्ट के लिए यूज़ करूँगी और मैं इसको रखूँगी अपने पास। उसके बाद आता है दोस्तों ये फ़ोन कवर, तो ये जो है फ़ोन कवर ये बहुत ही प्यारा है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का ये फ़ोन कवर है बटरफ्लाई प्रिंट में, और ये है इसका हैंड में जो होती है चेन वगैरह होल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, कि अगर आपने फ़ोन को पकड़ा हुआ और वो बाई चांस गिर जाता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। और मोस्टली जो मेरे जो फ़ोन्स हैं उसमें आपको देखोगे कुछ ना कुछ होल्डिंग के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो मेरे हैंड्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह के मेरे कवर्स हों जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैंडी और बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो ये मैंने मंगाया है और ये बहुत ही प्यारा है दोस्तों, प्राइस इसका भी है $2 या $1, इससे ज़्यादा का ये नहीं है। तो ये बहुत प्यारा है, मेड इन चाइना है सारी चीज़ें, इसलिए देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल प्राइस में है, ये बहुत प्यारा है, तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स ये प्यूमिक स्टोन जो कि है, आपको आप देख सकते हो पेडिक्योर से रिलेटेड एसेसरीज है। सेल्फ केयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अपना, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी सेल्फ केयर में, अपने पेडिक्योर वाले किट में मैं इसको रख दूँगी। मेरे पास दोस्तों एक पेडिक्योर किट भी है जो कि मैंने शीन से या फिर मैंने डॉलर ट्री से यहाँ से मैंने अपनी चीज़ें इकट्ठी की थी, तो अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए कि मैं अपने आप पेडिक्योर में क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ और मेरी कैसी किट है वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही प्यारी सी किट है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए। और या अमेरिका में मैं अपना जो डेली मतलब अपना जो मैनीक्योर है पेडिक्योर है एवरी वीक तो या फिर एवरी मंथ में तो आप सलून नहीं जा सकते हो कई बारी, तो वो मैं कैसे करती हूँ, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपको पूरी किट अपनी दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे इकट्ठी की है। तो ये है मेरा पेडिक्योर से रिलेटेड। इसके बाद आता है दोस्तों ये क्या कहते हैं एक मतलब एक डिवाइस है, या डिवाइस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं टूल आप कह सकते हो, ये है दोस्तों, इसका मैंने कवर हटा दिया है, मैं एक सेकेंड में देख लेती हूँ कहाँ पर है।
मुझे अभी नहीं मिल रहा है, वो मैं दिखाऊंगी। हालांकि उस पर लिखा हुआ तो चाइनीज ही है, क्योंकि मेड इन चाइना है, तो फिर उस पर चाइनीज में लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस तो समझ तो आपको आएंगे नहीं। तो ये दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ ये है क्या। ये है जैसे आप कोई भी पॉलिथीन ओपन करते हैं वो छूट जाती है, कोई चिप्स का पैकेट है, कुछ भी है, तो आपको सिर्फ इसमें सेल डाल के इसको प्रेस करना होता है और ये ऐसे आपका जो पॉलिथीन है वो फिर से बंद हो जाता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है, तो मैंने इसको मंगाया। यूज़ मैंने अभी इसको नहीं किया, तो मुझे नहीं पता ये कैसा होगा, तो इसको मैं यूज़ करूँगी तो तब मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है। लेकिन ये 1 रुपीज़ में मुझे मिला, इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चिप्स या कुछ भी अगर आप खाते हैं खुल जाते हैं, तो एयर की वजह से वो क्या होते हैं कि थोड़े से मतलब क्रंची वो जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए उनको दोबारा से बंद करना ज़रूरी होता है, उसके लिए मैंने ये मंगाया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाँ इसके बाद आता है ये वेरी इम्पॉर्टेंट जो है किट है, एक स्विंग किट। तो ये बहुत ही क्यूट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं जल्दी से आपको बताती हूँ पढ़ के है क्या क्या। सीजर है, नीडल है, थ्रेड है, थिम्बल है, और थिम्बल शायद इसको वही कहते हैं, नीडल्स है, स्ट्रेट पिन्स है, बटन्स है, सेफ्टी पिन्स है, पिन कुशन। ये छोटी सी किट में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। अगर आपको सिलाई आती है नहीं आती है डजेंट मैटर, लेकिन ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मेरा एक जो क्या कहते हैं कोई चीज़ ख़राब हो गई थी, तो मुझे उसके लिए सुई ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे पूरे घर में मुझे कहीं सुई धागा नहीं मिला, तो सबसे पहले मैंने ये ढूंढा कि मुझे कहाँ से मिलेगा, और ये मुझे मिल गया। ये वेरी हैंडी है, आप इसको बैग में रख के, पर्स में लेके कहीं भी ट्रैवलिंग में भी इसको लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट है, ये देखिए पॉकेट में भी आ सकता है, ये बहुत प्यारा है, तो आई लव इट। और छोटा सा जो इसका सीजर है वो तो मुझे बिल्कुल कमाल लगा, कलर उसका पिंक है। तो दोस्तों उसके बाद आता है ये सॉफ्ट बॉक्स का एक पैकेट। सॉफ्ट बॉक्स है छोटे छोटे से प्यारे से क्यूट से पेस्टल कलर्स के, तो ये भी मेरे को पूरा पैक मिला। इसमें 4 पैक थे, एक मैंने गिफ्ट कर दिया है और 3 मेरे पास बचे हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा सा एक मतलब क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है, जो कि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। इजी टू कैरी है, हैंडी है और बहुत कम स्पेस लेगा, आप इसको अपने किसी पर्स में बैग में डाल के ले जा सकते हो। ये 1 या 2 रुपये में मेरे को सारे मिल गए हैं, तो कलर इनके बहुत प्यारे से हैं पेस्टल से, तो आपको ये कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद है दोस्तों ये लूफा, जो कि पीच कलर का है, बहुत प्यारा सा लूफा है, और ये मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, मैं बहुत दिन से, मुझे नहीं पता मैंने कब से सॉप यूज़ नहीं किया है ना द टाइम, मैं ऑल द टाइम मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं शॉवर जेल यूज़ करती हूँ। तो मेरा शॉवर जेल के लिए मेरे को लूफा ज़रूर चाहिए था, तो मैंने ये मंगा लिया है, और ये 1 रुपीज़ या 80 सेंट्स में कुछ ऐसा है, तो ये काफ़ी वर्थ इट था, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। आपको बताना इसका कलर कैसा लगा, मेरे लिए तो बहुत प्यारा सा कलर है। उसके बाद दोस्तों आता है ये बैंग। तो ये नकली बैंग है दोस्तों, मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा इस साउंड के साथ, क्योंकि इसका जो ओपनिंग ASMR है वो बहुत ज़्यादा घटिया है, क्योंकि जो पॉलिथीन है वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही ओपन करके रख ली। तो दोस्तों ये इस तरह का एक बैंग है, जो क्योंकि मैं कोरियंस की दीवानी हूँ, आई मीन क्रेजी हूँ कोरियंस के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा कोरियन सीरीज़ देखती हूँ, बहुत ज़्यादा कोरियन मतलब स्किन केयर यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोरियन मेकअप यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बैंग भी मंगा लिए हैं कि ये कैसे लगेंगे। तो अभी मैं इसके साथ आपको स्टाइल करके दिखाऊंगी कि ये कैसा लगेगा, अभी तो नहीं, लेकिन फिर कभी मैं किसी वीडियो में या पिक्चर्स में आप मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। हालांकि ये हल्का सा मेरे कलर से थोड़ा सा डार्क आ गया है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। मैं इसको रिटर्न तो नहीं करूँगी, क्योंकि एक छोटी सी 1 रुपये की चीज़ को मैं क्या रिटर्न करूँ, क्या उनको परेशान करूँ, लेकिन मैं इसको यूज़ ज़रूर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको स्टाइल करके मेरी पिक्चर या मेरी फोटो या मेरी वीडियो कैसी आई। तो ये मैंने मंगाया है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा, और ये काफ़ी सिल्की और शाइनी है, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा है। उसके बाद आता है दोस्तों ये छोटा सा ज्वेलरी से रिलेटेड है, और ये है एक नोज पिन। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये है कैसा। मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कई बार इस चीज़ को लेके आर्गुमेंट हुई है, क्योंकि राहुल को लगता है कि मेरे को नोज़ पियर्सिंग करा लेनी चाहिए, लेकिन मैंने वो अभी तक नहीं कराई है। हम लोगों की कई बार बहुत ज़्यादा मेरे को लालच भी दिया गया कि अगर आप पियर्सिंग करा लेती हो तो ये दूंगा वो दूंगा ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं मानी वो बात, क्योंकि मुझे पता है कि पियर्सिंग मुझ पर शायद सूट नहीं करेगा।
तो ये इस तरह का ये नोज पिन है, आप देख सकते हैं, बट मैंने ये नकली मंगा लिया है कि अगर कभी मुझे पार्टी में या कैसे भी यूज़ करना हुआ तो मैं इसको यूज़ करूँ। तो ये बटरफ्लाई शेप में है दोस्तों, प्यारा सा है और ये मुझे 1 रुपीज़ का मिल गया है। तो ये प्यारा है और क्यूट है काफ़ी, तो अच्छा है ये काफ़ी। तो मैंने इसको मंगा लिया कि अगर अब की बार कभी कुछ होता है तो मैं लगा के दिखा दूंगी कि मैंने लग कर लिया अभी ऐसे। तो उसके बाद आता है दोस्तों अभी तक का सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट मेरा अगर कुछ है तो वो ये है, ये रबर बैंड्स जो कि मैंने मंगाए थे। देखने में ये काफ़ी अच्छे थे, कलरफुल थे, ब्राइट थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डल हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने किसी लोकल मार्केट से लिया हो। इसलिए मुझे सिर्फ ये प्रोडक्ट्स ऐसा जो कि पसंद नहीं आया, अदरवाइज़ मेरे को ओवरऑल सारी ही चीज़ें पसंद आई हैं। उसके बाद आता है ये लैशेस ग्लू, तो ये भी मेरा अंडर $1 या $2 में ही है और मैंने इसको मंगाया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लैशेज़ हैं जो कि जिनका ग्लू ख़त्म हो गया है या सूख गया है या फिर कुछ भी हो गया। तो मैंने ये जो ग्लू मंगाया है मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी कि ये मुझे कैसा लगा और इसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि अभी, हाँ तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर हॉल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, चाहे वो नेल आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेयर से रिलेटेड हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे पास मैंने खरीदी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर उनके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही है और आने वाली मेरी जो वीडियोस हैं उनके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।